अरे हंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्वे अर्थे के प्रकाशे मांगली के उपेकारी है। तीने को स्वरूपे जानी रागे ते भई है भक्ति ताते काए को नमाए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भये करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगले कल्याण सुख ऐसो हमें चाह तू है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठभ्यो नमो। कर्णानुयोग संबंधी द्रव्यानुयोग। कर्णानुयोग के साथ जोड़ते हुए द्रव्यानुयोग, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। इनमें कई विषयों के माध्यम से अपन इस विषय को देख चुके हैं। एक तो पंच परावर्तन के आधार से, जिससे वस्तु मात्र का एकत्व विभक्त स्वभाव अपनी शाश्वत सत्ता का बोध होता और संपूर्ण पर पदार्थों का आकर्षण नष्ट हो जाता। दूसरे, कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इसे कर्म के भेद प्रभेद, कर्म के बंध आदि की व्यवस्था, इसके आधार से फिर निश्चित रचना क्रम आदि, उदीर्णा आदि, इन सबसे अपन ने इस विषय को देखा। फिर आत्मा अनंत सामर्थ्य संपन्न और वस्तु स्वतंत्र पूर्ण सुनिश्चित परिणमन व्यवस्था, इन विषयों को भी कर्णानुयोग के आधार से अपन ने देखा। अब बस मात्र तीन चार विषय ही रह गए हैं इस संदर्भ में। इसके बाद फिर ग्रंथशा चर्चा होगी। तो वैसे तो कर्मकांड की ही मांग आई है, फिर भी और भी कुछ सोचा जा सकता है तो वो विषय लेंगे। यानी इसमें तो बस ज्यादा से ज्यादा दो या तीन पीरियड ही लगेंगे। आज इसके एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा है, वो ये द्रव्यानुयोग कहता है पुण्य पाप एक जैसे, जैसा पुण्य वैसा पाप। समय सार में तो पुण्य पाप अधिकारी स्वतंत्र और उसका जो भावानुवाद कविवर पंडित बनारसी दास जी ने किया, तो उन्होंने तो उस अधिकार का नाम ही ये दिया कि पुण्य पाप एकत्व द्वारा, यानी दोनों एक हैं ये हम बता रहे हैं। बहुत स्पष्ट विषय है द्रव्यानुयोग का ये कि सब आश्रय बंध रूप ही है, कोई अंतर नहीं,
चार गति 84 लाख योनियां ही इनसे फलती हैं। परंतु चरणानुयोग आदि में अंतर भी स्पष्ट बताया जाता है। ये भी कहा जाता, यदि ये दोनों एक होते तो दो नाम अलग अलग क्यों होते? पर जब नाम अलग अलग हैं, दोनों का फल अलग अलग है, वही समय सारजी में तो चार माध्यमों से पृथकता सिद्ध की, स्वभाव, हेतु, निमित्त, फल, तो चार से भिन्नता है, तो ये कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार से प्रकरण थोड़ा सा जटिल हो जाता कि ये कैसे माने। कर्णानुयोग इस पर खुल करके चर्चा करता, हेतु, स्वभाव, फल और निमित्त। कर्णानुयोग इस पर खुल करके चर्चा करता है, जिसके निष्कर्ष में यही फलित होता है कि वास्तव में ये दोनों एक ही हैं, आश्रय बंध तत्व हैं, अलग से इनको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोमठसार कर्मकांड जो कि षटखंडागम के सार रूप में लिखा गया है, इसमें भी इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा है। एक दिन सुबह के प्रकरण में भी थोड़ी सी चर्चा आई थी अपनी, कर्म के पर्यायवाची नाम गिनाए, इसके ही 52वीं गाथा में, तो ये उचित नहीं है, फोटो बना है ना, जिनवाणी के ऊपर विराजमान करना उचित नहीं, रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, उठा ले इसको, फोटो बना है ना। तो इसकी ही 52वीं गाथा में जहां निक्षेपों के आधार से कर्म की चर्चा प्रारंभ हुई है, वहां सबसे पहले नाम निक्षेप की चर्चा करते हुए पर्यायवाची नाम दिए, 52वीं गाथा 52 कर्मकांड, पैडी पावम कम्मम, नहीं बस पर्याप्त, पैडी पावम कम्मम मलंति सन्नाहु नाम मलम, कि प्रकृति पाप कर्म मल, ये सब एक अर्थवाची, प्रकृति नाम कर्म पाप कर्म और मल, ये पर्यायवाची नाम। अपनी चर्चा तो उस समय मल को लेकर के थी, सुबह के प्रकरण में मल को लेकर के थी, अभी पाप पुण्य को लेकर के चर्चा, प्रकरण यही था, वहां मल के संदर्भ में यही देखा था अपने, यानी संपूर्ण कर्मों का एक नाम पाप, यानी पाप तो पाप है ही, पुण्य का भी एक नाम पाप। द्रव्यानुयोग भी यही कहता, योगसार का तो मुनिराज योगिंदु देव का दोहा ही है, जिसका हिंदी अनुवाद पाप तत्व को पाप सब जानते हैं जग लोए, पुण्य तत्व भी पाप है कहे अनुभवी कोई, लगता ऐसे कैसे हो सकता, पुण्य और पाप एक जैसे, विचार करें। यहां भी पर्यायवाची गिनाए, प्रकृति कहो, कर्म कहो, पाप कहो, मल कहो, ये सब पर्यायवाची नाम, यानी संपूर्ण कर्मों को एक नाम यदि देना हो तो पाप। थोड़ा सा इस पर
वर्तमान माहौल से भी विचार कर लें। सबको पता भी होगा क्योंकि उसी माहौल में तो रहते हैं। जो अपने 16 कारण पूजन है ना ध्यानत राय जी की, उसकी जयमाला का पहला छंद 16 कारण गुण करें हरे चतुर्गति वास पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। तो पाप पुण्य सब नाश के ऐसा लिखा नहीं चाचा, पाप पुण्य सब नाश के कैसे? तो कर दिया पाप पुंज सब नाश के, पुण्य की जगह है पुंज कर दिया। देखा नहीं देखा? नए जो भी संशोधित संस्करण, तो संशोधित संस्करण में ये संशोधन हुआ कि पाप पुण्य, तो पुण्य की जगह लिख दिया पुंज। आश्चर्य तो उसे देखकर तब हुआ कि जब संशोधनकर्ता का नाम देखा तो वे व्यक्ति थे कि जो कर्णान योग के क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनने संशोधन किया था। नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, आप पूजांजलि आदि पुस्तकें देखेंगे तो मिल जाएगा। तो उनने संशोधन किया, तब आश्चर्य ज्यादा हुआ कि कर्णानियों के विशेषज्ञ, तो ये 52वीं गाथा नहीं पड़ी थी? यहां तो संपूर्ण कर्मों का एक नाम पाप, यानी पाप प्रकृतियां तो पाप है ही, पुण्य प्रकृतियों का भी नाम पाप ही। तो पुण्य की जगह पुंज लिखने से समस्या समाप्त कहां हुई, बल्कि और स्पष्ट हो गई, क्योंकि पुंज ने होता समूह, यानी संपूर्ण कर्म प्रकृतियों का समूह, तो समस्या समाप्त कहां हुई? पर जितनी बुद्धि चली उतनी चलाई और सुधार किया। यदि इस 52वीं गाथा पर विचार कर लिया होता तो स्पष्ट ख्याल में आ जाता कि बदलने से क्या होता। ऐसे ही प्रचल सार की गाथा पुण्य फला अरहंता, उसको लेकर के भी बहुत चर्चा होती कि देखो देखा है ना कि पुण्य के फल में अरहंत होते, पुण्य के फल में अरहंत होते, तो आप पुण्य को पाप जैसा कैसे कहते हो? वहां भी बुद्धि पर ही तरस आती है कि संस्कृत प्राकृत के विद्वान माने जाने वाले वो इतने भी व्याकरण नहीं जानते। पुण्य के फल में अरहंत होते हैं, यदि ये अर्थ आचार्य श्री को स्पष्ट मान्य होता तो पुण्य फले अरहंता ऐसा वाक्य होता, पुण्य फला अरहंता ऐसा वाक्य नहीं होता। पर वहां तो पुण्य फला अरहंता, यानी वो तो कर्मधारय समास है, जहां विशेषण विशेष वही आपका असाधारण धर्म वचन लक्षण जैसा, कि वहां तो वो शब्द सामानाधिकरण बता रहे, यानी विशेषण विशेष संबंध, कि ये जो अरहंत भगवान हैं ये पुण्य फल वाले हैं, यानी इनके बहुत तीव्र पुण्य का उदय चल रहा, तीर्थंकर है ना, तो बहुत तीव्र पुण्य का उदय चल रहा, तो वे तो ये बताना चाह रहे ये पुण्य के कारण बने हैं, ये तो बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि उससे आगे की जो पंक्तियां कि पुण्य फला अरहंता तेसिम, उनके जितनी भी ये क्रियाएं चल रही हैं वे कर्म के उदय में हो रही हैं। तो यद्यपि कर्म के उदय में होने के कारण वे सब अवदयी की कहलाती हैं, पर मोह राग देश नहीं होने से, गाथा निक्रमण का नहीं है उसी नंबर की गाथा पता, ये तो अंदाज से ना पर्टिकुलर कौन सा नंबर, चलो देखे लेते हैं 45 नंबर की गाथा। तो पूरी गाथा क्या,
पुण्य फल अर्हंता तेसिम क्रिया पुनोहिदया मोहादी विरहिदा तम्मा शाखाई गति मदा। अर्हंत भगवान पुण्य फल वाले हैं, यानी उनके पुण्य का तीव्र उदय चल रहा। यद्यपि पुण्य का तीव्र उदय चल रहा तो वो औदिक भाव संपन्न, और औदिक भाव तो बंद के कारण होते तो उन्हें बंद होना चाहिए, परंतु मोहादि ही विरहिदा, वे मोहादि से रहित हैं, इसलिए वे औदिक भाव भी छायक के समान माने गए। जैसे छायक भाव से बंद नहीं होता, ऐसे इन औदिक भावों से भी बंद नहीं होता, क्योंकि मोहादि नहीं है। तो बताना तो इतना सा चाह रहे हैं कि उनके सानिध्य में पुण्य का तीव्र उदय चल रहा, न कि ये बताना चाह रहे कि वे पुण्य के फल से बने हैं। देखो अपन ने कहा धनवान, तो क्या अर्थ होता धनवान का? कि वो धन से बना है, कि उसके संपर्क में खूब धन है, इतना ही अर्थ होता कि वो धन से बना है, उसकी रचना धन से हुई, ये अर्थ होता है। ऐसे ही पुण्यवान, तो इसका अर्थ क्या होता? कि उसके संपर्क में पुण्य का उदय तेज है, कि वो पुण्य से बना है। तो यहां तो इतना सा कह रहे पर नहीं, वो तो पुण्य से बने हैं अरहंत भगवान, तो इसलिए पाप पुण्य सब नाश के कैसे हो सकता? तो पाप पुण्य सब नाश के। पर ये भूल गए कि संपूर्ण कर्म प्रकृतियों का एक नाम पाप है। तो आपने पुंज कर दिया तो उससे तो बात और खुल करके हो गई स्पष्ट, पुंज यानी समूह, मतलब संपूर्ण कर्म प्रकृतियों का समूह, तो उसको नष्ट करके तो पुण्य को भी नष्ट किया और पाप को भी नष्ट किया, दोनों नष्ट हुए। ये जो कर्णानुयोग का प्रकरण जिस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं, उससे ये बात बहुत खुलकर स्पष्ट होती है। यहाँ पाप पुण्य प्रकृतियों का प्रकरण है, ये 41 से 44 तक चार गाथाओं वाला है। कौन कौन सी प्रकृतियां पुण्य रूप, कौन कौन सी प्रकृतियां पाप रूप, तो भेद अपेक्षा, अभेद अपेक्षा, बंध अपेक्षा, उदय अपेक्षा, इन सब अपेक्षाओं से स्पष्ट किया। इससे पुण्य पाप दोनों एक जैसे हैं, एक बात खुल करके स्पष्ट होती, कैसे? अब इसको अपने को देखना है। घाती कर्म पूरा का पूरा पाप रूप होता है, घाती कर्म पूरा का पूरा पाप रूप। अघाती कर्म में पुण्य पाप का भेद है, घाती कर्म पूरा का पूरा पाप रूप और अघाती कर्म में पुण्य पाप का भेद। घाती कर्म में पुण्य पाप का भेद नहीं है। घाती कर्म निरंतर बनता रहता, चारों को लें तो नौवें गुण स्थान तक, और मोहिनी को गुण करके शेष तीन लें, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, तो दसवें गुण स्थान तक, यानी नौवें गुण स्थान तक चारों घाती कर्म निरंतर बनते रहते, और मोहिनी का नौवें में बनना रुक जाएगा तो दसवें गुण स्थान तक शेष तीन, यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, और बिल्कुल लगातार उनमें कोई अंतर नहीं पड़ना। अंतर यदि पड़ता है तो वो अघाती में, क्योंकि उनमें दो भेद हैं पुण्य पाप का, तो साता बंधेगी तो असाता नहीं बंधेगी, असाता बंधेगी तो साता नहीं बंधेगी, उच्च गोत्र बंधेगा तो नीच गोत्र नहीं बंधेगा, नीच गोत्र बंधेगा तो उच्च गोत्र नहीं बंधेगा, मनुष्य गति बन रही होगी तो त्रयंचादी गति नहीं बन रही होगी, त्रयंचादी गति बन रही होगी तो मनुष्य गति नहीं बंधेगी, यानी पुण्य पाप का भेद उनमें है।
तो उनमें तो ये अंतर पड़ेगा कि कभी कुछ बंधेगा और कभी कुछ, पर घाती कर्म में तो पुण्य पाप का भेद है नहीं, तो वो तो लगातार बनते रहना, नौवें तक चार हो तो दसवें में तीन, लगातार बनते रहना। अब इससे आगे का विचार, त्रस पर्याय में अधिक से अधिक काल लेकर के जीव आए तो कुछ अधिक 2000 सागर के लिए, अभी भी पूरा सुनिश्चित है तो वो जो सुनिश्चित पर्णमन व्यवस्था ली थी ना उसमें भी इसको डाल सकते हैं, यानी कोई घटबड़ नहीं, बढ़ा नहीं सकता इसको कि तो हम तो ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे, तो कम से कम 2500 सागर है, कुछ अधिक 2000 सागर है ना, तो कुछ अधिक में तो थोड़ा सा अधिक, तो हम कुछ अधिक क्यों, हम तो 25% बढ़ा लेंगे, 1/4 बढ़ाएंगे तो 2500 सागर कि नहीं हो सकता, यानी कुछ अधिक 2000 सागर के लिए ही त्रस पर्याय मिलेगी। अब इसमें मोक्ष नहीं हो पाया तो लौट करके स्थावर में जाएंगे, जितना जो भी पुण्य बंधा होगा, घाती तो पूरा का पूरा पाप रूप ही था, अघाती में पुण्य पाप का भेद था, तो जितना जो भी पुण्य बंधा होगा, क्योंकि एक इंद्रिय स्थावर में तो पुण्य के उदय की बहुलता है नहीं है, वहां तो पाप की ही बहुलता, तो वो सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा, यानी घाती तो पूरा का पूरा पाप रूप था ही और अघाती में जो थोड़ा बहुत पुण्य था वो भी पाप रूप बदल जाएगा। पाप का उदय तो पूरा पूरा भोगने को मिल जाता, पुण्य को पूरा कोई भोग ही नहीं सकता, सुनेगा इसको जरा ध्यान से, यानी बहुत घाटे का धंधा है। वैसे भी पुण्य प्रकृतियों की स्थिति पाप प्रकृतियों से आधी है, यानी वेदनी कर्म की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तो असाता वेदनी की है, साता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति है 15 कोड़ा कोड़ी सागर, तो आधी तो वही हो गई। गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो नीच गोत्र की है, उच्च गोत्र की उससे आधी यानी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ये जो दूसरा भाग लिए थे ना, कौन लिए थे, रात के समय कोई लिए थे ना, गवर्नमेंट सर कर्मकांड का दूसरा भाग आप लोगों में से किन्हीं के हाथ में था, तो उसमें वो सब दिया है। ऐसे ही नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, तो वो 20 तो अशुभ नाम कर्म की है, शुभ नाम कर्म की 10 कोड़ा कोड़ी सागर, तो आधा तो वैसे ही कट गया, यानी पाप दुगना बंधना है और पुण्य उससे आधा, और घाती तो पूरा पाप रूपी है तो वो तो चल ही रहा है, यानी वहां पुण्य भी बंध रहा हो तो भी घाती तो लगातार बन ही रहा, तो घाती पूरा पाप रूप, अघाती में पुण्य पाप का भेद, तो यदि पाप बंध रहा होगा तो दूना और पुण्य बंध रहा होगा तो उससे आधा, और एक घाती पूरा का पूरा पाप रूप बंध रहा है, ठीक है। अब मान लो वो आधा ही सही तो भी कम थोड़ी है, 15 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, और त्रस पर्याय में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो कितने, कुछ अधिक 2000 सागर, तो कहां कुछ अधिक 2000 और कहां 15 कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें हैं तो जो गुणनफल आएगा वो कोड़ा कोड़ी, वो भी 15, और ये तो मात्र 2000, यानी लाख भी नहीं करोड़ भी नहीं, 2000 मात्र, तो कहां तो 2000 सागर और कहां 15 कोड़ा कोड़ी सागर,
पूरा तो यहाँ भी नहीं भोग पाना, क्योंकि 2000 सागर में नरक भी है और 640 सागर 740 सागर नरक में बीतेगा, तो 740 सागर तो नरक में जाएगा और 1260 सागर बीतना स्वर्ग में। और वो जो कुछ अधिक है ना, बाकी में अपन मनुष्य त्रियंश बहुत कम आयु होती, इसलिए कुछ अधिक में भी समा जाते। भवन वासी, व्यंतर, ज्योतिषी सभी वैमानिक तो 1260 में, तो ये तीन भवनत्रिक और मनुष्य और त्रियंश। अब मनुष्यों का भी सब मतलब कर्म भूमि, भोग भूमि, मिलेचकन सब, तो ये कुछ अधिक में, यानी कुछ अधिक में इतने आएंगे। दो इंद्री से पंच इंद्री तक के त्रियंश, मनुष्य, मनुष्य में भी सभी प्रकार के मनुष्य, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन सब का जितना काल वो इतना कम कि सागर का एक चौथाई भी नहीं है वो, इसलिए बस कुछ अधिक। जैसे कहा ना, एक किलो में कुछ अधिक, तो कुछ अधिक मतलब कि हम उसको 10 ग्राम नाम दे सके इतना भी नहीं है वो, बस कुछ अधिक। तो ये सब तो कुछ अधिक में आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ 2000 सागर रहेगा, उसमें भी नरक में तो पुण्य की उदय की बहुलता नहीं, फिर भी कदाचित मान ले तो 2000 सागर ही तो रहेगा ना। और बंद तो गया था 15 कोड़ा कोड़ी सागर, अब लौटा, लौट के जाना है एक इंद्री में, तो इस पुण्य का क्या होगा? संक्रमित हो जाएगा। तो स्टॉक किसका बड़ा? क्या उपलब्धि हुई? यानी भोगना तो असंभव, यदि खूब खूब पुण्य में भी लगे रहे तो पाप के भंडार को बढ़ाने में कारण बनेगा। पहले ही पाप का भंडार ज्यादा था, क्योंकि घाती तो पूरा का पूरा पाप रूप था, तो वो तो पूरा का पूरा, और पुण्य में थोड़ा सा अपने अघाती में थोड़ा सा अंतर पड़ता था, तो पहले से ही पाप का भंडार अधिक था। और ये जो यहाँ पुण्य बंधा, तो चूंकि यहाँ इतने काल रह ही नहीं पाना है, तो पूरा का पूरा वो पाप में बदल के पाप के भंडार को बढ़ाना है। मतलब कितना अच्छा काम किया, यानी पाप का उदय तो पूरा का पूरा भोगने मिल जाएगा, क्योंकि एक इंद्री में तो खूब रहने को है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन भी बीत सकते, तो सब बीत जाएगा, कोड़ा कोड़ी सागर सब समाप्त हो जाएगा। ये बहुत लंबा काल है रहने का, और यहाँ तो कुछ अधिक 2000 सागर, तो पूरा का पूरा वो पाप को बढ़ाने में कारण बनना है। पाप का फल तो पाप रूप से भोगना ही है, पुण्य का फल भी पुण्य रूप से नहीं भोग पाएंगे, बहुत थोड़ा सा अंश भोग पाएंगे, और बाकी तो वो पाप रूप में बदल के पाप का फल भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये तो जो लौट जाएंगे उनकी बात, जो नहीं लौटेंगे ना मुक्त होने वाले, उनकी भी यही स्थिति, पुण्य पूरा नहीं भोग पाते, उनका भी समाप्ति होना है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, तीर्थंकर प्रकृति की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, यानी एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर, तो एक कोड़ा कोड़ी के भीतर भीतर का, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर से कुछ कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया हो तो विदेश क्षेत्र की तो और ही बुरी स्थिति, वहां तो उसी भाव से भी मुक्त हो सकते। दो कल्याणक वाले तीर्थंकर, तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर, और मनुष्य आयु तो होती है ज्यादा से ज्यादा 1 कोटि पूर्व, तो कहां अंता कोड़ा कोड़ी सागर इतनी बंधी थी, और कहां 1 कोटि पूर्व, कदाचित मान लो 3 कल्याणक वाले भी हुए
तो भी काफी कुछ जीवन तो गृहस्थ अवस्था का बीत गया होगा, कम से कम 8 वर्ष तो नियम से बीता होगा, उसके पहले तो बन ही नहीं सकते। और कुल आयु मान लो उत्कृष्ट भी लेकर के आए हो तो 1 कोटि पूर्व, तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर में 1 कोटि पूर्व मायने क्या रखता, यानी बहुत बड़े हिंद महासागर में 1 बूंद इतना सा है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर के सामने 1 कोटि पूर्व यानी हिंद महासागर के अथाह जल राशि के सामने 1 बूंद, 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर का, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तब होगा 1 कोड़ा कोड़ी, और सागर 10 कोड़ा कोड़ी अधापल यानी वो गड्ढे वाला, तो उसके सामने तो समुद्र भी बहुत फीका पड़ना क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा विस्तार, तो उतना वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर उसके अंदर अंदर का। और मनुष्य पर्याय पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा भी हो तो 1 कोटि पूर्व, इससे ज्यादा आयु तो होती नहीं। अब 8 वर्ष के पहले तो तीर्थंकर प्रकृति बन ही नहीं सकती, तो वो तो नियम से कम हो गए, कदाचित वे 3 कल्याणक वाले भी हुए तो बस उतने ही तो भोग पाएंगे ना। 8 वर्ष के बाद फिर दीक्षा ली और मान लो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया तो 8 वर्ष और कुछ अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, तो उतने ही तो भोग पाएंगे ना। और बंध तो कितनी गई थी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर क्या होगा उसका, नियम से खिर जाएगी ऐसे ही, मतलब बेकार ही जानी, पूरी भोग ही नहीं पानी, तो मुक्त तो होना है तो वहां तो वो प्रकृति जाएगी नहीं, पाप में तो नहीं बदली पर भोग नहीं पाए ना, तो मतलब क्या निकला, यानी भोगने तो मिलेगी मात्र 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक ही, और बंध तो गई है अंत कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसा ले लेना कि आपने खूब सारी साड़ियां रख ली, पूरे बैग भरे रहते 100-100 साड़ियां, अभी तो पक्का है कि जितना जी लिया ना कितने 50 तो पूरे हो गए होंगे ना, तो अब नियम से उतने तो जीने वाले नहीं है, तो जितनी वो इकट्ठी करके रख ली ना भोग पाओगे, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा की फटाई तो फटता नहीं सूती में कम से कम सुविधा है 6-7 महीने में ही साफ हो जाता, वही सिंथेटिक 2-3 दिन लगातार भी पहनो ना, बदल बदल के पहनो तब की तो बात दूर, लगातार भी पहनो तो 2-3 साल तक भी फटने का नाम ही नहीं लेता। और अब 100 साल तक जीने वाले हो नहीं, वो साड़ियां तो 100 रखी तो किस काम आएंगी, भोग तो पाओगे नहीं, पड़ी रहेंगी, ज्यादा होगा तो आरती पे चली जाए और क्या होगा, क्या होगा बोल। तो ऐसा वहां कि बंद गई तीर्थंकर प्रकृति अंत कोड़ा कोड़ी सागर की, पर 8 वर्ष के पहले तो बंधनी संभव नहीं थी, इसके बाद बंधी, तो मान लो तत्काल ही पुरुषार्थ करें और केवल ज्ञान हो जाए तो 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त 2-3-4 अंतर मुहूर्त कम, बाकी 1 कोटि पूर्व बस इतना ही रहना है संसार में, तो इतने तक भोग पाएंगे और बाकी तो बिना भोग ही खत्म होनी है, तो उतने बंधन का लाभ क्या मिला। यानी मान लो उदाहरण के लिए कि अपना जीवन इतना है कि बस 10 साड़ी फटा पाएंगे अपन, अब मिल गई 100 साड़ी तो क्या लाभ मिला बाकी 90 का, यानी नहीं मिली होती तो भी वैसे ही, और मिली है तो भी वैसे ही, तो क्या मतलब निकला। ऐसे ही भोग तो पाएंगे बस उतना जितना जीवन रह गया, तो इतनी उत्कृष्ट स्थिति बंद गई तो फायदा क्या मिला, बेकार जाना। और यदि 2 कल्याणक वाले हुए तब तो और ही कम, ये तो गृहस्थ दशा में बंद गई थी तो कुछ समय लंबा हो गया, अब मुनि दीक्षा लेने के बाद बंधी तो और ही कम,
ये सब वहाँ की बात छोड़ो, अपन तो भरत हैदराबाद की लें, यहाँ तो 5 कल्याणक वाले हो जाते तो यहाँ तो कुछ ज्यादा समय मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा? तीर्थंकर प्रकृति बनने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 भाव, और 3 भाव में भी उस सहित, उसको छोड़ के 3 नहीं, मतलब 4 नहीं, उस सहित 3 भाव। यानी मनुष्य भाव में बनना शुरू हुई तो मनुष्य भाव, बीच का देव या नारकी का भाव, और फिर अगला मनुष्य भाव, और फिर मोक्ष, बस ऐसे 3 भाव। तो 3 भाव में कितना भोगने को मिलेगा? मनुष्य भाव की ज्यादा से ज्यादा आयु होगी तो 1 कोटि पूर्व, इससे ज्यादा तो है नहीं। 8 वर्ष के पहले बंधेगी नहीं, तो 8 वर्ष तो पहले ही कम हो गए, अब 1 कोटि पूर्व। फिर या तो नरक में जाएं या स्वर्ग में जाएं। नरक में जाएंगे तो कदाचित छाओप समय सम्यक दृष्टि हो तो तीसरी नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु? 7 सागर, 23, 1, 7, 10, तीसरे नरक की उत्कृष्ट स्थिति 7 सागर, तो 7 सागर बेले में। और फिर यहाँ मनुष्य में आए तो यहाँ भी मान लो उत्कृष्ट स्थिति में ही आए तो 1 कोटि पूर्व। बस इतने तक तो सत्ता रही, भोगना नहीं, सत्ता यानी हमारे पास में रखी रही, बंदी रही। भोगने को तो कब मिलेगी? कि जब केवल ज्ञान होगा तब, क्योंकि तब उदय में आएगी। कदाचित स्वर्ग में पहुंच गए तो वहां सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकते हैं, तो 33 सागर ले लें। तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर के सामने 33 सागर की गिनती क्या है? भले 33 सागर भी बहुत, तो इसकी स्थिति तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर बंदी थी ना, तो उसके सामने 33 सागर क्या मायने रख रहे? तो बाकी का ऐसे ही जाना। यानी पुण्य का वैसे भी स्थिति बंध कम, पर विडम्बना ये कि जितना जो भी है उतना भी किसी भी जीव को, यानी तीर्थंकर जैसे जीव भी उसे नहीं भोग पाते। बाकी की तो बात क्या करें, क्योंकि तो बाकी के पल्ले में पुण्य है कितना, पर तीर्थंकर जैसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धनी वे भी अपने पूरे पुण्य को भोग नहीं पाते, तो कितना घाटे का धंधा हो गया, भोगने को मिल नहीं। तो ये प्रकरण जब ख्याल में ले जीव तो नियम से इस पुण्य का आकर्षण टूट जाएगा कि ये तो पूरा भोग ही नहीं पाना है, उल्टे पाप के भंडार को बढ़ाने में कारण बनेगा। अभी इस काल में तो इस भाव से मोक्ष है भी नहीं, और आगे अभी कितना काल रह गया त्रस्पर्याय का कुछ कह नहीं सकते, और कदाचित अभी भी नहीं होगा तो लौट के ये इंद्री में, क्योंकि करणानुयुक्त ऐसा कहता है औपशमिक सम्यक तो मोक्ष जाने तक के काल के बीच में हो तो असंख्यात बार हो सकता है, असंख्यात बार। छायोपशमिक सम्यक भी असंख्यात बार, 32 बार भावलिंगी मुनिपना, द्रव्यलिंगी नहीं, उनकी तो गिनती नहीं, भावलिंगी मुनिपना 32 बार, 4 बार तो उपशम श्रेणी का आरोहण, यानी 11वें गुणस्थान तक पहुंच जाएं, छदमस्त द्वितराग यथाख्याचार पूर्ण सुख का वेदन कर लें, और फिर गिरे हैं तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक जाएं। यानी सब किया कराया पानी में, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अकेले त्रस पर्याय में तो बीतना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कुछ अधिक 2000 सागर बीतेगा, तो कहाँ बीतेगा फिर वो, एक इंद्री आदि में।
और वहाँ तो पुण्य के उदय की बहुलता नहीं, तो यहाँ का पुण्य क्या होगा, तो पाप को बढ़ाएगा। तो ये निरंतर ख्याल में रहे तो पुण्य का कितना आकर्षण रहेगा। यानी कदाचित साधक भी हो पर क्षणिक सम्यक दृष्टि नहीं है, तो अभी कुछ ठिकाना थोड़ी है। यानी ग्यारहवें गुण स्थान तक पहुंचने के बाद भी कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते, तो वो पाप का ही भंडार बढ़ना है। बांधा था पुण्य और भोगना पड़ा पाप, तो अब कितना आकर्षण रहेगा, तब कहीं जाकर वो पुण्य पाप एकत्व द्वार होगा कि जैसा पुण्य जैसा पाप वैसी पुण्य, फर्क क्या पड़ना। संसार तो दोनों में है ही, पर संसार में भी पुण्य को पुण्य रूप से कहां भोग पाए, पाप रूप से भोगने को मिला। इसी प्रकार से वो जो दो तीन बिंदु लिए थे वो तो अलग ही थे, जो वो सुबह की प्रकरण में आई थी चर्चा कि पुण्य पाप अधिकार को समाप्त कर रहे थे आचार्य श्री, तो उसको दो भागों में बांटा। पहला पाप अधिकार, वो चार बार औपक्षमिक, क्योंकि क्षायिक हो तब तो फिर संसार में रहने का ज्यादा से ज्यादा चार भाव, ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब उनके औपक्षमिक की सम्मति थे। तो सुबह के प्रकरण में ही चर्चा करने ली थी कि पुण्य पाप अधिकार को दो भागों में बांटा, पापाधिकार पुण्याधिकार। तो पहले पापाधिकार वाली गाथाएं उसके समापन में लिखते हैं इति पापाधिकार समाप्त, और फिर पुण्याधिकार वाली गाथाओं की चर्चा की, और फिर लिखते हैं इति पापाधिकार समाप्त। तो शिष्य ने पकड़ लिया सब पापाधिकार तो पहले समाप्त हो गया, ये तो पुण्याधिकार चल रहा था, तो आप ऐसा लिखे थे पुण्याधिकार समाप्त। वे कहते नहीं, वो पाप ही है। क्यों? तो वहां तीन कारण दिए थे, बहिर्द्रव्य का अवलंबन होने से पराधीनता के कारण पाप है। दोनों में एक जैसी पराधीनता, क्या फर्क पड़ना पंचेंद्रिय विषय भोगों की पराधीनता हुई कि देव शास्त्र गुरु की पराधीनता हुई। पराधीनता तो पराधीनता होती है, और पराधीन सपने उस सुख नाही। तो बहिर्द्रव्य का अवलंबन होने से पराधीनता के कारण पाप है। दूसरा, स्वरूप से पतित करने के कारण पाप है। स्वरूप लीन तो दोनों में नहीं रह पाए। बुंदेलखंड में एक लोकोक्ति चलती है, एक गृहस्थ के यहाँ गाय थी, गाय गाय काम गाय थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए आवश्यकता थी दूध की, तो स्वयं गाय पाल रखती थी। रोज शाम को गाय वापिस आ जाती थी, उस दिन नहीं आई, तो जो बड़े बच्चे थे माँ के, उन बच्चों के बच्चे छोटे छोटे, तो माँ ने उन बच्चों से कहा, अपने बेटों से, बेटा गाय नहीं आई आज, आ जाएगी। कह रहे आ जाएगी, छोटे बच्चे परेशान हो रहे ना। तो वे बड़े दो बेटे थे, वे परस्पर में बहस करने लगे। एक बोला जंगल में ही रह गई, और एक बोला कानी हाउस में चली गई। कानी हाउस मतलब गाय पशुओं का जेल, यानी पशु किसी भी खेत में घुस गए हों तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता, तो पशुओं का जो जेल कारागृह वो कानी हाउस कहलाता, उसमें है। अब वो दोनों बहस करें, एक कहने वो जंगल में ही है, दूसरा कहे कानी हाउस में। बहुत बहस, माँ ने फटकारते हुए कहा कि उससे फर्क क्या पड़ना कि जंगल में है कि कानी हाउस में,
इतना पक्का है कि घर में नहीं है, और घर में नहीं है तो ये छोटे छोटे से बच्चे तो भूख के कारण रो रो के दम निकालेंगे, इन्हें तो दूध मिलने वाला नहीं। अब क्या फर्क पड़ना कि जंगल में है कि कानी हाउस में, तो इस पर बहस क्यों कर रहे। जहां भी है तो उसको घर में लेके आओ, बस ऐसे ही यहाँ कि नहीं सब ये तो विषय भोगों में लगे रहते, हम तो देवशास गुरु की शरण में लगे रहते। आचार्य जी कहेंगे क्या फर्क पड़ना, एक जंगल में भटक रहे तो ये कानी हाउस में, घर में तो दोनों नहीं है, स्वरूप स्थिर तो दोनों नहीं है, और अतीन्द्रिय आनंद तो स्वरूप स्थिरता से होगा, मुक्त दशा तो स्वरूप स्थिरता से होगी, तो स्वरूप स्थिरता की दृष्टि से तो दोनों एक से। तो इस तरह स्वरूप से पतित करने के कारण यानी स्वरूप में दोनों ही नहीं है, पंचेन्द्रीय विषय भोगों में लगा हुआ वाला भी नहीं है और देवशास गुरु के सानिध्य में लगा हुआ वाला भी नहीं है, इसलिए दोनों का एक नाम पाप। और तीसरा सम्यक्तो आदि का विरोधी होने से पाप है, सम्यक रत्नत्रय के दोनों ही विरोधी हैं, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, शुद्ध उपयोग दोनों ही नहीं है, तो दोनों ही विरोधी तो दोनों का एक नाम पाप। इस तरह से पुण्य भी पाप ही है, ये कर्णानियोग जितनी विस्तार से चर्चा करता है कदाचित द्रव्यानियोग में भी उतनी नहीं मिलेगी। तो अब पुण्य पाप के संदर्भ में भ्रांति, पुण्य भला, पुण्य को मोक्ष मार्ग मानना, हितकर मानना, कर्णानियोग का अच्छे से स्वाध्याय करने वालों की कैसी भ्रांति हो सकती। इतना ही नहीं और भी विशेष, ये और गजब का बिंदु, तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर, वो पता वो किसके बंधती है, पढ़ लिया ना गोमट सा कर्मकांड स्थान, चलो पता किसके बंधती, नरक जाने के सम्मुख सम्यक्त छूटकर मिथ्यात रूप से परिणमित होने वाले जीव के। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध किसके होगा, तो नरक जाने के सम्मुख सम्यक्त छूटकर मिथ्यात होने के सम्मुख होने वाले जीव के, यानी अभी तो सम्यक्त है पर वो छाउप समिक सम्यक्त है, और मान लो उनको जाना है तीसरे नरक में, तो वहां सम्यक तो लेकर के तो जाते नहीं है, तो सम्यक तो अंतर्मूल के लिए छूटेगा, तो छूटने के सम्मुख जो हो रहे ना उनके तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा। क्यों कि तीन आयु, मनुष्यायु, देवायु और त्रयंचायु, इन तीन आयु को छोड़कर शेष संपूर्ण कर्मों का स्थिति बंध पाप रूप माना गया है। ये जो मैं चर्चा कर रही हूँ ये गोमट सार के ही, गोमट सार कर्म कांड की 154वीं गाथा 154, और जो ये तीर्थंकर प्रकृति वाली चर्चा की तो 135वीं गाथा 135, इन गाथाओं के आधार से गोमत्सा कर्मकांड। तो तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध बोझ ही बांधेगा। क्यों? क्योंकि इन तीन आयु को छोड़कर, मनुष्यायु, देवायु और त्रयंचायु, इन तीन आयु को छोड़कर शेष संपूर्ण कर्म प्रकृतियों का स्थिति बंध पाप रूप होता, यानी तीर्थंकर प्रकृति का भी स्थिति बंध पाप रूप। मतलब इतना कठोर वाक्य द्रव्यानियोग में भी मिलेगा
तीर्थंकर प्रकृति का स्थिति बंद पाप रूप, और करनानियों की तो गाथा है 154वीं गाथा। तीन आयु को छोड़कर से संपूर्ण कर्मों का स्थिति बंद पाप रूप, तो तीर्थंकर प्रकृति भी आएगी कि नहीं, आहार शरीर भी आएगा कि नहीं, कि इनका भी स्थिति बंद पाप रूप। और जो भी पाप प्रकृतियां होती उन्हें कहा उत्कृष्ट स्थिति बंद संकलेश परिणामों से होता, विशुद्ध से नहीं। तो तीर्थंकर प्रकृति का भी स्थिति बंद पाप रूप, तो उसका भी उत्कृष्ट स्थिति बंद संकलेश परिणामों से होगा। कब होंगे संकलेश परिणाम? कि नरक में जाना हो तो। पर चूंकि सम्यक्त तो है, तो सम्यक्त छूटने की तैयारी वाला कि हर कीमत पर हम इन्हें समझाएंगे, क्यों नहीं मानते, हमारा कोई स्वार्थ थोड़ी है, हम तो इनकी भलाई के लिए कह रहे, क्यों नहीं मानते, हम हर कीमत पर समझाएंगे। कितना संकलेश होता, यानी अपना कोई स्वार्थ नहीं, पूर्णतया सामने वाले का हित ही दिख रहा है, और फिर भी वो नहीं समझ रहा हो और हमें तीव्र भाव हो समझाने का, और नहीं समझ रहा सामने वाला, कितना संकलेश होता है। यानी अपना स्वार्थ तो फिर भी संकलेश कम होता, पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपना कोई लेना देना नहीं है, बस मात्र इस भावना से कि क्यों बेमतलब में दुखी हो रहे, इतना बढ़िया स्वतंत्रता वाला वस्तु स्वरूप क्यों नहीं समझते, और फिर भी आप नहीं समझ रहे, कितना संकलेश होता। तो इसमें जब तीव्रता आएगी तो तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद हो जाएगा। यही तो कह रहे हैं कि वो करुणा जिसे अपन कह रहे हैं ना, एक दिन चर्चा की थी ना वो राजा ऋषभदेव की उद्दान के प्रकरण में, एक दिन चर्चा आई कि राजा ऋषभदेव ने खेती करना सिखाया था, और फिर बाद में बैलों के मूसी का बांधना सिखाया, उन्हें तो रोटियां नहीं खानी थी क्योंकि उनकी तो सारी व्यवस्था स्वर्गों से होती थी, उन्हें तो बिल्कुल नहीं खानी थी। यानी एकमात्र परोपकार की भावना से किया था, उनका तो कोई स्वार्थ नहीं था ना, उन्हें तो कुछ ही नहीं यहाँ का चलता, तो सब बस हमारी एक प्रजा आराम से साता से जिए, इनको रोटियां मिल जाए, तो परोपकार का भाव था न? तो उन्हें पाप क्यों बधा? उनका तो कोई स्वार्थ नहीं था ना, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था, उनका तो सारा भोजन स्वर्गों से आता था, तो मात्र प्रजा सुख से जिए इस भावना से। पर एक जीव को बचाने के खातिर दूसरे को बाधा डाली ना, अकेली यही प्रजा थी कि वो पशु भी आपकी प्रजा थे? तो ये नहीं, ये तो हमारी जाति के ना, हम भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, तो इसलिए इनका हित हो जाए, तो बाकी वे जीव रूप में तुम्हारी जाति के नहीं है, यानी मनुष्य मनुष्य रूप आसमान जाति द्रव पर्याय तो मुख हो गई, तो हम भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, तो इनका तो भला होना चाहिए, पर वो त्रियंश जीव नहीं है और आप जीव नहीं है, तो आपको अकेले मनुष्य रूप से देखना चाहिए था अपने को कि जीव रूप से, और जब जीव रूप से देखते तो सभी जीव एक जाति के नहीं दिखते, तो इन जीव को बचाने के लिए इन जीव को कष्ट कैसे दें? यानी ये बच जाए कि ये नहीं है क्या जीव, यानी इनका कुछ भी हो बस ये बचना चाहिए, तो ये दया है, इसलिए अंतराय कर्म बंधा और भोगना पड़ा। ऐसा ही सिद्धांत, इससे तो देखो अपनी जो दया है ना वो बस ऐसे ही, सब ये बीमारी से तड़फ रहे, इनका दुख दूर होना चाहिए, तो क्या करो, चलो एलोपैथिक दे दो। कह रहे वो असंख्यात अनंत जीवों की भंडार है ना, कि नहीं ये तो बच जाएंगे ना, तो अकेले यही जीव है, बेजीव नहीं है, तो इनका दुख दर्द मिटाओगे और उनको कष्ट में डालोगे तो पुण्य लगेगा। बोलो, ईश्वर अपनी दृष्टि नहीं जाती, हमने इनको बचा लिया, हमने इनको बचा लिया,
जो मेडिकल लाइन में जाने वाले बच्चे होते हैं उनका बस यही तर्क होता, सब हम बिल्कुल कमाई का साधन नहीं बनाएंगे इसको, हम तो ये जो गरीब आदि हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता है बिल्कुल फ्री सेवा देंगे, कोई भी बीमारी से मरना नहीं चाहिए। ठीक है भाव तुम्हारा बहुत अच्छा, पर वो फ्री सेवा में दवाइयां कौन सी दोगे? तो ये तो बिना दवाई के नहीं मरे, पर इनको बचाने के लिए जो वो असंख्य और अनंत जीवों को मार डाला वो इंजेक्शन कौन सा शुद्ध होगा? वो टेबलेट, वो कैप्सूल, वो बोई तो दोगे ना, तो वो असंख्य अनंत जीवों को नहीं मारा, तो इनको बचाने का पुण्य लगेगा कि उनको मारने का पाप भी लगेगा? इस ओर अपनी दृष्टि नहीं जाती, नहीं हम तो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करेंगे, एक भी गरीब को बीमारी से मरने नहीं देंगे। कि एक गरीब ही अकेला जीव नहीं है, वे समूर्छन जीव भी जीव है, पर चूंकि ये तुम्हारी मनुष्य जाति का तो ये तो जीव दिखता है, और वे मनुष्य जाति के नहीं है तो वे जीव नहीं लग रहे, तो इसलिए मानने कोई तैयार नहीं कि वे मर गए तुम्हारे कारण, पर कर्म को तो दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो कर्म छोड़ेगा क्या? ऐसा है यहाँ तो राजा ऋषभदेव का कितना बड़ा प्रमाण, यानी मनुष्यों को रोटियां मिल जाएं, इसके लिए बैलों को गेहूं नहीं खाने दिए, मनुष्यों की भलाई के लिए किया था, अपना बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं, यानी हमें उसका एक दाना भी नहीं खाना था, मात्र बस इन मनुष्यों को, और अंतराय बंधा। तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में पड़ी है, तीन तीन कल्याणक मन चुके और फिर भी वो अंतरा नहीं तला, सो नहीं तला कि बेटा करने का फल भोगना पड़ेगा, वो किया है तो वो भी फल आएगा, अभी ये किया तो अभी पहले इसको भोग लो, तब फिर जाना हुआ, ऐसा है। इसीलिए तो इसमें ही है, मेरे ख्याल से 83 या 84 गाथा है, शायद 85 हो सकती है, करुणा के संदर्भ में है, कि कौन से नंबर की है, 85। तो उसमें दिया करुणा भाव है मोह का चिन्ह, तो विश्लेषण किया मनुष्य और त्रियंश ये प्रेक्षा योग्य है, 85 भी गाथा 85 कि मनुष्य त्रियंची प्रेक्षा योग्य है, देवनार के नहीं लिए, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं दे रहे, यानी जानबूझ के छोड़े गए, वे हमें कहां दिखाई दे रहे, पर मनुष्य त्रियंश हमें दिखाई दे रहे, तो ये अकेले प्रेक्षा योग्य है, देखो जान कुछ भी इनका कर्म का उदय आ रहा तो सहज ज्ञाता दृष्टा बने रहो, पर हमसे नहीं रहा गया तो हम कुछ आगे बढ़ गए, दया में लग गए, तो ये बोल रहे मोह का चिन्ह है, ये स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो था सहज जानो देखो, और फिर इसका ही और विस्तार भी देखना हो तो 85 संग्रह की वो अनुकंप का स्वरूप बताने वाली गाथा, तो वहां लिखते ज्ञानियों की अनुकंपा कैसी होती, सामने वाले का दर्द मिटाने वाली नहीं, हमें जो इनको देखकर कष्ट हुआ वो थोड़ा सा कम हो जाए तो हम उतनी सेवा कर देंगे, यानी अपने कष्ट का निवारण करने हेतु, यानी आपको कितनी आवश्यकता है हम उसके अनुसार थोड़ी करेंगे, हमें जितना कष्ट हुआ आपका दुख देख करके तो हम तो उसका निवारण करेंगे, तो बस उसके लिए कुछ कर देंगे थोड़ा सा, अब बाकी आपकी आवश्यकता वो आप अपनी भोगना, उसका ठेका हमने थोड़ी लिया है, तो ये है अनुकंपा का स्वरूप। और अज्ञानी की वो मर पच करके भी हर कीमत पर भी कि कुछ भी हो, तो कुछ भी हो तो वहां तो उसके पुण्य पाप के अनुसार होना है, अपने ही होगा कुछ भी तो अपनी ही दुर्गति होगी, ऐसा स्वरूप है। यानी कर्णानियोग के सिद्धांत पढ़े तो इतना संतुलित जीवन हो जाए कुछ कहो ना, तो
देखो गुणस्थान के अनुसार भाव तो आएंगे, पर भावों में जो ये कर्तृत्व का अहंकार, मेरे हाथ में ही सब कुछ है, मैं चाहूं तो इन्हें सुखी रख सकती हूं, मैं चाहूं तो दुखी कर दूं, कौन इसको क्या करेगा। हम तो जो हमें भाव आ रहा उसके अनुसार कर रहे, अब बाकी इनका इनके अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार होगा, इनकी भवितव्यता के अनुसार होगा, हम क्या कर सकते हैं। यदि चींटी पानी में गिर गई हो, उसका मरने का काल आ गया तो बचाते बचाते भी मर जाते, अरे एक बार उंगली पे चढ़ाई वो फिर फिसल गई, फिर चढ़ाई फिर फिसल गई, और इसी फिसलाने उठाने और फिसलाने उठाने में मर जाती, और अपन बचाने का भाव रख रहे थे। वो कभी कभी ऐसे भी प्रसंग बन जाते, मान लो पोंछा लगा रहे थे कपड़े से, बाई पर से नहीं, बाई पर तो जैनियों के यहाँ होना भी नहीं चाहिए, छूने योग्य नहीं, क्यों, क्योंकि पूरी चटनी पिसनी है। देख करके कुछ काम करने के लिए अवसर ही नहीं, और कठोर होता एकदम रगड़ के, कपड़े से पोंछा लगाओगे ना कदाचित उपयोग बदल जाए और एक आध चीटी फंस जाए और फिर आपका उपयोग गया और आप झड़ाओगे तो वो जिंदा निकल आएगी। वाइपर में जिंदा निकलने वाली नहीं है, इसलिए वाइपर तो छूने योग्य भी नहीं, जैने के यहाँ आना ही नहीं चाहिए, इतना हिंसा का साधन है। फिजूल खर्ची बढ़ाई है और फिर कहते सब कमाई कम पड़ रही, यानी पहले घर का एक व्यक्ति कमाता था और दस दस व्यक्ति खाते थे और फिर भी पैसा दिखता था घर में, और अब यदि घर में दस हैं तो दसों कमा रहे और फिर भी नहीं दिख रहा, क्यों, ये फिजूल खर्ची बढ़ा दी, यानी पहले आराम जो फटे पुराने कपड़े निकलते थे उनसे पोंछा हो जाता था, अब वो बाई पर अलग से वो 25-30 रुपए कितने का आता, तो वो चाहिए फिजूल के खर्च, ये ब्रश आदि, और पहले अपने आराम से बस हो गया, अब वो 25-30 रुपए का हर महीने का खर्च, तो ऐसे एक्स्ट्रा खर्च बढ़ा लिए हैं, तो कितने कमाना, इन उस छोटे से बच्चे को भी कमाने को लगा देना और तो भी पैसा कम 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 ही दिखेगा, क्योंकि फिजूल खर्ची हो रही ना ज्यादा। तो अपनी से चर्चा इस पर कि पोछा लगाते हुए चींटी फंस गई, थोड़ा सा उपयोग अपना बदल गया, फंस गई पर फिर उपयोग गया, आपने झड़ाया, बचने की कोई संभावना नहीं थी, आपको लग रहा था इतनी जोर से तो मर गई होगी, तो बच जाती और वहां पानी में से निकालते निकालते मर जाती, तो बोलो अपने हिसाब से होता है, उसकी आयु होती तो बच जाती हो, नहीं आयु हो तो बचाते बचाते मर जाती, तो कहां अपने हाथ में। तो अपन तो अपने राग का इलाज करते हैं, उसका इलाज थोड़ी करते, यानी उसके कष्ट को देखकर हमें जो कष्ट हुआ है, हमें जो बेचैनी हुई है, हम तो उस बेचैनी को मिटाने का उपाय कर रहे हैं, तो जितनी बेचैनी उतना उपाय कर लेते हैं, अब बाकी सामने वाले को आवश्यकता कितनी ही हो हमें उससे क्या लेना देना, हम तो अपनी बेचैनी मिटाए। तो ये ख्याल में रखना, यानी भूमिका अनुसार भाव तो आएगा, पर अन्य जीवों को कष्ट में डालकर किसी एक जीव का उपकार करना, जैन धर्म इसे उपकार नहीं कहता, कर्म इसे पुण्यकारी नहीं कहता, अन्य जीवों को कष्ट होगा तो पाप ही बंधेगा, और सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है राजा ऋषभदेव का, क्योंकि तो बाकी कोई देंगे ना तब तो आप कह सकते सब थोड़ा बहुत स्वार्थ भी होगा, पर राजा ऋषभदेव का तो बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि सबको पता कि तीर्थंकर के जीव को यहाँ का भोजन लगता ही नहीं है, तो वो तो मात्र प्रजाजनों के लिए सब कुछ कर रहे थे, और फिर भी अंतराय बना, ऐसा है, जब जब का समय हो गया है, आगे करेंगे और चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए।
कर्म के पर्यायवाची बताते हुए सोलह कारण पूजन की जयमाला में पाप पुण्य के स्थान पर पाप पुंज करने से क्या अर्थ होगा। अगला, पाप पुण्य के पाप पुण्य की एकता के संदर्भ में कर्णानुयोग का प्रतिपादन बताइए। अगला, पुण्य परिणामों में लगे रहना अत्यधिक हानिकारक क्यों है। बस अपनी चर्चा सूतक पातक की चल रही थी, सूतक संबंधित कर ली थी, पातक पर चर्चा कर रहे थे, तो शव यात्रा वाली चर्चा अपन देख रहे थे कि जो भी साथ में जाएंगे, कंधा नहीं दिया है पर मात्र साथ में गए हैं, तो उनको 24 घंटे का सूतक, जिनने कंधा भी दिया उनको 3 दिन का सूतक, और जिन्होंने लकड़ी भी दी, कितने डालते थे आग डाल लकड़ी दी, उन्हें 12 दिन का सूतक, लकड़ी जिन्होंने दी, ने अकेला कंधा दिया तब तो 3 दिन का, और लकड़ी भी दी तो 12 दिन का। कारण क्या, चूंकि वो शव असंख्य जीवों का भंडार हो गया और वो ईंधन तो है ही, और उस ईंधन के कारण जो चारों ओर का पूरे षट का एक जीव, अकेले वायु का एक नहीं, पूरे षट का एक जीव, जमीन भी नीचे तपी सभी पूरा षट का एक जीवों के हिंसा, तो वो चांडाल जैसा कार्य था। चांडाल का जो कार्य होता ना जीवों को मारना, वैसा कार्य था। परिवार कुटुंब जनों की तो मजबूरी थी, ये उनके घर का ही है तो उनको तो करना ही करना, आपने तो मात्र अपने नाम बारी के लिए किया होगा, हमें भी सब अच्छा कहें, हाँ हम भी इनके नजदीकी, तो इस नाम के खातिर किया होगा तो तुम भी भोगो। इन्हें परिवार कुटुंब जनों को तो लग नहीं था, वो तो उनकी मजबूरी थी, उनका तो रक्त संबंध, पर अपना जिनका कोई रक्त संबंध नहीं पर बस प्रदर्शन, सब कहें कि हाँ ये भी हमारे घनिष्ठ मित्र, ये भी हमारे बहुत स्नेही, इसकी सजा कि आपका वो परिवार कुटुंबजन नहीं है तो भी उसके जैसा ही सूतक 12 दिन का। इसलिए बहुत सोच समझ के प्रवृत्ति करना, यानी व्यर्थ की दिखावे की प्रवृत्ति में उलझ कर इतना घोर पाप क्यों करना, चांडाल जैसा पाप।
असंख्य अनंत जीवों को मारने का, जलाने का, क्यों करना? मजबूरी तो जिसके ऊपर आई है उसे करना ही करना है, यानी अपने भी परिवार को कुटुंब का होगा तो करना ही पड़ेगा वो तो, पर बाकी गैर के चक्कर में काहे को उलझना? अपने ही पाप कम नहीं है भोगने के लिए, क्योंकि देही इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसमें ही कितना कितना करना पड़ता, तो व्यर्थ के प्रदर्शन में उलझ के और घोर पाप क्यों बांधना? तो विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना चाहिए। इसके साथ ही इसमें एक और होता है, बाल उतारना। ये बाल मुड़वा देते हैं, खास करके बेटा हो पोता हो उनके, उसके पीछे भी एक बहुत सुंदर भावना है। एक तो ये बाल यानी बच्चा भी होता, तो बालक मतलब बेटा कितना ही बड़ा हो गया हो तो भी पिता के सामने तो अपने को छोटे ही मानता, और पिता भी उसे छोटी दृष्टि से देखते रहते। अब मान लो पिताजी चले गए तो वो बाल उतरवाए, तो बाल उतरवाए मतलब वो बाल से ही मतलब नहीं है, अब अपना ही बचपना छोड़ देना। यानी अभी तो सब पिताजी संभाल रहे थे जिम्मेदारी, तो भले बड़े हो गए हों, यानी पिताजी हो गए हों 80 साल के, बेटा हो 60 साल का, तो भी नहीं वो पिताजी समझेंगे अपन नहीं, सारी जिम्मेदारी पिताजी पे छोड़ देता था। अब अपना ही बचपना छोड़ दो, अब पिताजी जैसी गंभीरता ले आओ और उनके जैसे जिम्मेदार बनना, तो वो बालपना उतार दो, गंभीर हो जाओ। एक दूसरा, बाल ये श्रृंगार की निशानी मानी जाती, वो उतारा यानी एक वैराग्य वाला प्रसंग, और देखने में भी लगने लगता और स्वयं उसको भी महसूस होता, यानी बाल उतर गए हो ना, कैसा फिर सबके सामने जाने में उसको अच्छा नहीं लगता, एक अंदर से बैराग बैराग बैराग, तो ये बैराग का प्रसंग है। इसमें बैराग भावना भाव, अब ज्यादा अपनी मस्ती, जाने का नंबर लग चुका है, बस इतने ही अंतर पड़ना है कि कोई कल गए हैं तो कोई आज जाएंगे तो कोई कल जाएंगे, पर अब बस जाने जाने का नंबर शुरू हो गया, तो सावधान होकर प्रवृत्ति करो, अब ज्यादा बचपने जैसी प्रवृत्ति मत करो। तो एक वैराग भावना को पुष्ट करने के लिए बाल उतारे जाते। पाग आदि का तो स्पष्ट जिम्मेदारी सौंप नहीं कि भाई अभी तक पिताजी संभालते थे सब, अब आप संभालो, और बाकी तो कि भाई अब ये सब क्रियाकर्म हो गया तो धर्म में लगना है, इसलिए 13वें दिन से एक धार्मिक अनुष्ठान से ही शुरुआत करते हैं। जिनवाणी छूने करने के संदर्भ में व्यर्थ का दुराग्रह नहीं रखना, हाँ पद्धति अवश्य बदल सकते हैं। जयपुर में एक पंडित चैन सुख दास जी हुए हैं, जिनके द्वारा निर्मित विद्यालय में ये लोग पढ़ते हैं, वे बहुत अच्छे विद्वान, बहुत प्रभावक, समाज में भी बहुत बड़ी क्रांति करने वाले विद्वान, चैन सुख दास जी, चैन सुख दास बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं। राजस्थान में अभी भी कई जगह ऐसी परंपरा कि किसी के घर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो तीनों सामायिक के समय बाहर बैठ के उसके नाम को लेकर रोएंगे, अभी भी है कई जगह, छोटे छोटे गांव में तो अभी भी है। पहले वो परंपरा जयपुर में भी चलती थी और ऐसा लगातार 12 दिन तक करेंगे, सामायिक के प्रॉपर सामायिक के समय तीनों टाइम। एक बार मुझे भी देखने को मिल गया था, मेरा दशरक्षण पर्व का एक बार पिड़ावा में था, तो जहां मैं रुकी थी उसके सामने एक ब्राह्मण का घर था, पंचमी कोई उसकी मां गुजर गई, व्रत शुरू हुआ उस दिन ही, अब बस रोज मैं यहाँ सामायिक को बैठ रहा हूँ उनका नाम ले लेकर के, रोना ओ मम्मी अब क्या होगा ऐसा, मतलब पूरे तीनों टाइम। तो जिनके यहाँ तो कहते उनसे पूछा कि ये क्या चक्कर, बोले दीदी यहाँ की तो परंपरा है,
यहाँ तो किसी के यहाँ कोई भी गुजरेगा तो 12 दिन तक नाम ले ले करके उसके नाम पर रोएंगे तीनों समय समय के समय। पहले जयपुर में भी वो परंपरा थी, पंडित चैन सुखदास जी को वो नहीं सुहाती थी। बहुत बड़े सामाजिक क्रांतिकारी रहे तो उनने इस संदर्भ में भी क्रांतिकारी कदम उठाया। किस तरह का? कि जैसे वो खारी उठी, मतलब रक्षा चरण हुआ तीसरे दिन, और सब पंच मिलकर के मंदिर लाते हैं भगवान के दर्शन कराने, और उसी दिन से उसके एक घर में एक धार्मिक वातावरण बनाया जाएगा। मैंने उस समय तो मंदिर लाए, अब फिर वो ले जाएंगे मंदिर से घर, और दिन भर का पूरक कार्यक्रम। तो पहले शुरुआत जब हुई थी तब तो ऐसा था कि आपको 8 बजे तक फ्री छोड़ेंगे, उठने से 8 बजे तक, उसमें आपको जो करना हो कर लो। ठीक 8 बजे विद्वान लोग आ जाएंगे और उनका 10 बजे तक चलेगा पाठ स्वाध्याय सब। अब इसके बाद 10 से 12, ज्यादा हुआ तो 12:30, 1, बस 2 या 3 घंटे की फुर्सत मिलेगी। अब रोना हो तो रो लो, और भोजन करना हो तो भोजन कर लो, जो करना हो करो। और फिर 12 से 1 के बीच में ही फिर आ जाएंगे, और ठंड के दिन हुए तो 4 बजे तक, और गर्मी के हुए तो 5, 5:30 बजे तक पूरा कार्यक्रम चलेगा। और तो विद्वानों की पूरी टीम होती थी, क्योंकि एक के बस की तो बात नहीं इतना लंबा चला पाना, तो पूरी टीम, तो पाठ स्वाध्याय कक्षाएं सब उसमें चलता। अब वो फिर 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी, अब जो करना हो सो कर दो। और इसके बाद फिर शाम को ही, यानी 2 घंटे के बाद फिर आ जाएंगे, और फिर वो कार्यक्रम रात के 10 बजे तक चलेगा। यानी इसी तरह से कार्यक्रम बनाते कि रोने धोने के लिए फुर्सत ही नहीं रहती, क्योंकि इना के ना 2-3 घंटे मिला, अब उसमें भोजन करेंगे रोएं, बनाना है खाना है सब तो करना ना, तो अपने आप ही वो सब खत्म। और जो भी नाते रिश्तेदार आते तो इतनी तो हिम्मत पड़नी ही नहीं कि नहीं हमारे यहाँ पर प्रवचन चल रहा, आप लोग सुनने बैठे, अब कोई नाते रिश्तेदार आ तो वो रोने बैठ जाए, इतनी तो हिम्मत पड़ने वाली नहीं, तो वो भी चुपचाप आगे सुनने लगेगा। और चूंकि उस समय अलग से एक परिणति थोड़ी भीगी हुई रहती, जब बैरा का प्रसंग रहता तो परिणामों में यानी इतनी हिम्मत नहीं पड़नी कि तो हमें ये बना के दो कि वो बना के दो, हम तो ये खाएंगे कि वो खाएंगे। और ना कोई टीवी आदि का उस समय, ना कोई और भी दाग रंग, कोई यहाँ घूमना फिरना भी नहीं, तो परिणामों में थोड़ी सी मृदुता रहती। उसमें जब ये सब सुनने समझने को मिलता तो काफी कुछ लोग जुड़ जाते, ये वातावरण उन्हें दिया। अब इतना लंबा तो नहीं रह गया है, तो भी अभी भी काफी कुछ है, यानी 5-6 घंटे तो उस घर में चले ही जाता है। मेरी भी ड्यूटी कई बार लगी तो मैं भी गई हूँ ऐसे घरों में, तो देखा काफी अच्छा वातावरण बन जाता, रोने धोने के लिए अवसर ही नहीं रह जाता किसी को। और बस यही माहौल, प्रसंग भी ऐसे ही, तो अपन प्रकरण भी ऐसे ही लेते, तो अच्छा बैराग वाला वातावरण, और फिर उसमें तब तो सुनाओ समझ में आता व्यक्तियों को, सुफल भी निकलता। तो इस रूप में घर में एक वातावरण बनाने की कोशिश करना, स्वयं व्यर्थ में जिनवाणी छूने का आग्रह नहीं रखना, क्योंकि सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ना ये तीव्र कषाय के बिना संभव नहीं। वो जिम्मेदारियां इतनी होती कि पढ़ तो पाओगे नहीं नियम से, कदाचित छू भी लोगे, यानी आए दिन आना जाना लगा है, अब वो तेरहवीं की भी व्यवस्था करनी है, कहीं कार्ड छपवाना, कहीं सामान इकट्ठा करना, कहीं तो कितना कितना कितनी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती, तो पढ़ पाओगे क्या कोई? तो भले छू लोगे पर बाकी सब औपचारिक ही रहना है, तो क्यों व्यर्थ में मर्यादाएं तोड़ना? तीव्र कषाय के बिना ये काम संभव नहीं होते, तो वो तो तोड़ने की कोशिश नहीं करना, पर इस तरह से माहौल बदलना कि एक वातावरण बना है तो दूसरों को भी लाभ मिलता। जब घर में ही सारा चल रहा होगा तो नाते रिश्तेदार भी बात धो करके बैठेंगे, क्योंकि वो घर में ही है, तो अब उस समय आने जाने का तो रहा ही, कहीं कोई आता जाता तो है नहीं, हाँ ये करते कि यहाँ सो रहे कि वहां सो रहे,
ये अम्मा की गप है। तो घर में ही जब ऐसा वातावरण बनेगा तो मजबूर होके उनको बैठना पड़ेगा, और जब सुनेंगे समझेंगे तो पता नहीं कब इसका परिणाम बदल जाए। तो इस तरह से इसको जो कि पंडित चैन सुख दास जी ने क्रांति की और राजस्थान में तो बहुत चल पड़ी। जैनेतरों में अभी देखा जाता है कि तीनों बार वो सामायिक के समय रोने बैठे, बाकी में तो बहुत ही कम हो गया, मुमुक्षु में तो बिल्कुल ही नहीं रहा, और बाकी जो गैर मुमुक्षु तो उनमें थोड़ा बहुत चलता है तो भी इतना नहीं चलता, क्योंकि देखते तो है ना कि इसका तो कितना सुफल, रोने रोने में क्या होने वाला, और वास्तव में तो कोई रोना आता तो है नहीं, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी निभानी होती है, तो नकली नाटक करते हैं तो क्या मतलब। तो वे लोग भी काफी सचेत हो गए हैं, तो अपन भी इस तरह की परंपराएं डाल सकते हैं। चार गति में मनुष्य, देव, त्रियंच, नरक में ऐसा कोई जीव कुदेव कुगुरु होता नहीं, तो जिनवाणी में ऐसा क्यों बताया गया? गृहित मिथ्यात्व तो अपना अपना होता है, लोक में कोई कुदेव कुगुरु नहीं होते, पर हमने मान लिया कि मान लो ये हमारे गुरु, अब ये हमें जो मार्गदर्शन देंगे हम तो वो करेंगे, अब इनमें तो गुरुता थी नहीं, पर इनको लगने लगा कि हाँ ये हमें बड़ा मान रहे, तो जो इनको जस्ता था वैसा मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया, और हमने इनको गुरु माना तो हम चलने लगे, तो हमने इनको कुगुरु बनाया। ये कुगुरु नहीं है, ये तो अगुरु है, यानी सच्चे गुरु का स्वरूप इनमें नहीं है, पर हमने इनको गुरु मान के और इनके निर्देशन में अपना कार्य शुरू किया, तो हमने अपनी मान्यता में कुगुरु बनाया। ऐसे कुदेव कि लोक में तो या देव हैं या अदेव, अब जो वो अदेव हैं हमने उन्हें वीतरागी देव मान करके पूजा, यानी वो गणेश जी थोड़ी कहते कि हमारी पूजा करो, कभी कहा किसी गणेश ने, और हम करने लगे, और पद्मावती थोड़ी कहते कि हमारी पूजा करो, और अपन करने लगे, तो अपन ने अपनी मान्यता में उन्हें कुदेव बनाया, इन्हें वे कुदेव नहीं, वे तो देवगति के देव हैं, वीतरागी देव नहीं है इसलिए अदेव हैं, पर हमने उनको सच्चे देव मान के पूजना शुरू किया, तो हमारी मान्यता कुदेव। तो ये कुदेव कुगुरु कुशास्त्र वाली मान्यता पूर्णतया अपनी होती है, इसलिए सुधार भी पूर्णतया अपने में करना है, यानी वहाँ हटाना की मिलाना इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, तो वहाँ की चीजें तो वही रहने दो, अपनी मान्यता मोड़ो, तो कुदेव कुगुरु को साथ से बच जाएंगे, अब बाकी जगत तो जगत के स्तर से चलेगा, अपन किस किस को हटाएंगे, किन किन को भगाएंगे, क्या क्या तोड़फोड़ करेंगे, ये कोई मार्ग भी नहीं है। यानी विश्व वृक्ष उग रहा हो तो अपन ये तो बचाव कर सकते कि अपने आंगन में ना लग जाए, पर दुनिया में ही ना लगे, ये ताकत है आपकी, बस ऐसा ही यहाँ कि कुदेव कुशास्त्र की मान्यता से अपने को बचा सकते, यदि आप में ताकत है तो अपने परिवार कुटुंबियों को भी सही मार्गदर्शन दें, बाकी दुनिया में ये चीजें ना रहें, ये तो किसी के भी वश की बात नहीं है, ये तो अपनी अपनी मान्यता। गुरुदेव जी बताया करते थे कि वहाँ साक्षात तीर्थंकर के सानिध्य में हम थे, पर यहाँ थानक वासियों में जन्म क्यों होगा, तो कारण बताते थे कि बाकी सब वहाँ देखते तो लगता बाकी सब तो अच्छा, पर ये पूर्ण नग्नता, ये तो चूंकि वहाँ तीर्थंकरों का राज्य रहता है, इंद्र जैसे व्यवस्थापक, तो खुलेआम तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, कोई मंदिर आदि भी नहीं होते, पर मन तो अपना है ना, मन में तो कुछ भी सोच ही सकते, तो वो जो मन में ये विराधना के लिए पूरी नग्नता, ये तो अच्छी नहीं। स्वयं गुरुदेव से कहते थे, आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, तो उसके फल में
यानी साक्षात तीर्थंकर के सानिध्य में रहने वालों को भी थानकवासी में पैदा होना पड़ा। क्या कोई आपको देव नहीं मिलेंगे, कोई नग्न गुरु नहीं, कि यही चाहते थे ना, मिल गए ऐसा है। तो अपन अपने मन का परिमार्जन करें। दुनिया में तो दुनिया के तरीके से सब कुछ रहेगा, सारा एक कुदेक गुरु को शास्त्र का चक्कर अपने मन में है, तो अपन अपना बचाव करें मान्यता सही करके। देवगति के देवे नहीं, ये तो फिर उपचार करके लोक में जैसे होता था, यानी मान लो सात व्यसन अपन ने लिए, तो सब विष्य गमन भी व्यसन, तो विष्य व्यसन की हमारी परिणति व्यसन, और उसकी निमित्त वो विष्य बन गई तो उसको भी कह दिया उससे हटके रहना, तो उससे हटना है कि हमें अपने परिणाम हटाना है, पर चूंकि उसमें वो निमित्त बन गई तो उसको भी कह देंगे। ऐसे ही यहाँ कि मूल तो हमें अपना बचाव करना है, पर बेनिमित्त बन जाते, बनाते अपने हैं, उनकी ओर से कुछ नहीं होता, पर अपन बनाते तो कह देंगे भाई उसे हटना में कुदेव है, पर मूल में बेकुदेव नहीं है, कुदेव है अपनी मान्यता। यदि बे हो तब तो कुदेव वाली मान्यता को नष्ट करने के लिए उनको हटाना पड़ेगा। भेद तो चार ही बनेंगे, पर कुदेव का स्वरूप अपने को समझना पड़ेगा कि वे नहीं है, उनको हमने जो देव माना तो हमारी मान्यता कुदेव, तो सुधार हमें यहाँ करना है, उनको नहीं हटाना, क्योंकि उनको हटाना संभव कहाँ है, मिश्र में से हटा सकते, बस तो अपनी मान्यता में सुधार कर ले। पर उसमें निमित्त वे बन रहे थे, अपन बना रहे थे निमित्त, उनकी ओर से कुछ निमित्त पना नहीं था, तो अपन अपना निमित्त बनाना बंद कर दे। ऐसा तो जिन वाणी में जो बताया गया वो बस ये है कि उसके निमित्त बनाते अपन उनको, तो वो निमित्त बनाना अपन छोड़ दें। मूल में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र वाली अपनी मान्यता है, तो सुधार अपनी मान्यता में करना है, बाकी सब जैसे मान लो शास्त्र, तो आप किन किन शास्त्रों को हटाएंगे बोलिए। अरे एक अखबार नहीं हटा सकते बोलो, यानी रामायण महाभारत हटाना तो बहुत दूर की बात, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर बच सकते कि नहीं बच सकते गृहित मिथ्या से, कि बच सकते, बस हम नहीं मानेंगे वो शास्त्र, यानी दुनिया में रहते हो रहे ना, अरे हर क्षेत्र में यही, यानी हमें आलू नहीं खाना तो भी जिद्द करें, मार्केट में नहीं आ सकते, अरे इतना भी आग्रह नहीं चलेगा कि घर में नहीं आ सकते, हाँ इतना चल सकता कि आप मत खाओ, यहाँ तक चल सकता, बोलो पूरे घर भर को सुधार सकते, कदाचित जब तक अपना वर्चस्व रहेगा तो चलता भी रहे, और जिस दिन बिल्कुल बेड रेस्ट हो जाएगा फिर तुम्हें नहीं खाना तुम मत खाओ, हमें अपने हिसाब से चलने दो, बोलो जब अपने घर में ही अपना बस नहीं चलेगा तो दुनिया में तो कैसे बस चलेगा, इसलिए दुनिया की चीजें तो दुनिया में रहने दो, अपनी परिणति सुधार लें, अपना काम बन जाएगा। ये हर एक में ही देखे ना अपने, तो वो चेलना और स्प्रेनिक वो कितने लंबे काल तक चलता रहा, अब वो कट्टर गृहित मिथ्या दृष्टि और ये सम्यक दृष्टि कैसे चलती रही बात। हाँ? बस है कि हमारा वो मार गई हमारे ने, हम तो बस एक पति रूप में स्वीकार किया है तो अपनी पत्नी का दायित्व निभा रहे, अब बाकी वो राजा रूप में कुछ भी करे हमें क्या लेना देना, नहीं तो भाई हमने राजा के साथ शादी नहीं की, हम तो एक पति चुना, तो पति के प्रति जो कर्तव्य है वो हम निभा देंगे, यानी आपके भोजन की व्यवस्था कर देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, ये सब, अब बाकी तुम्हारा जो राजा का काम तो वो तुम्हारा तुम जानो, हमने कोई राजा के साथ शादी थोड़ी की, तो वो जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, और इसलिए तो कभी साथ में नहीं गई, यानी दो चीजें अलग अलग हैं,
पति होना अलग और राजा होना अलग, तो हमारा तो पति है, हमारा राजा थोड़ी है, तो राजा के नाते उसे जो करना हो करे। समझाती थी पर इस कीमत पर नहीं कि अपना हित हो जाए, यानी जब सुनने के मूड में रहते होंगे तो समझाती थी, और नहीं समझते तो भी अपना हित तो निकल लेती थी। इसमें दिया बहुत सुंदर उदाहरण भगवती आराधना आदि में भी कि एक वैद्य ने किसी रोगी को कोई दवा बताई, अब वो रोगी नहीं ले रहा और उसकी बीमारी बढ़ती जा रही, तो वैद्य तो ये देख करके कि ये तो बिल्कुल सुनता नहीं, तो चलो अपन जहर खा के मर जाओ, क्यों मैं बदनाम हो जाऊंगा कि मेरी शरण में रोगी आया और सुनता ही नहीं मेरा, मैं कहता हूँ कि ये कुपथ है, ये बिल्कुल नहीं खाना, और वो कहता सब इसके बिना तो हमारे चलता ही नहीं, तो मैं बदनाम हो जाऊंगा तो मैं ही मर ही जाता। तो बोलते ये कोई मार्ग नहीं है, नहीं खाना तो मत खाना, उसकी भूख होगी तुम हट जाओ, यानी मरना ये कोई बुद्धिमानी है क्या? बस ऐसे ही है, कि समझाने तक भाव रहे और वो भी इस स्तर का कि अपना अहित ना हो, अपनी कषाएं ना भड़के, और फिर माना तो ठीक और नहीं माना तो तुम्हारी तुम्हारी होनहार। और यदि इस तरह का नहीं होता तो एक ही घर में चारों गति में जाने वाले जीव कैसे एक साथ रह लेते, उसी घर में राम रह रहे, उसी घर में लक्ष्मण रह रहे, और दोनों में अटूट प्रेम, और फिर भी दोनों की गति, तो परिणाम भी वैसे होते होंगे कि नहीं? जब गति दोनों की ऐसी हुई तो परिणाम नहीं रहते होंगे वैसे, और तो भी अटूट प्रेम चलता रहा, क्यों? ये बस भाई भाई का संबंध है, अब बाकी मान तो तुम्हारी तुम्हारी हमारी हमारी। तो ये जो महापुरुषों के जीवन चरित्र है ना, ये अपने को जीवन जीने की कला भी सिखाते, कि इतने परस्पर विरुद्ध स्वभावी होने पर भी और कैसे संतुलित जीवन जी लेते थे, दोनों ओर से वो प्रेम कैसे टिका रहा, जबकि एक मोक्षगामी और एक नरकगामी, कि बस वो मर्यादाएं समझते थे कि हमारा संबंध बस भाई भाई से, तो भाई भाई का कर्तव्य पूरा निभाएंगे, बाकी उससे बढ़कर हम फिर आगे हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तुम्हारी स्वतंत्रता, जो तुम्हें करना हो उसे करो। ऐसा तो अपना राग तोड़ लो, कसा क्यों करना? नहीं तो अपना राग तोड़ लो ना। हाँ देखो समस्या है कि अपन अपना राग नहीं तोड़ते। मान लो जैसे आपने बच्चे से कहा बेटा मंदिर चलो, कहता मैं नहीं जाऊंगा मैं, अब उसने भी कहा मम्मी भोजन दो, आप भी कहते तो नहीं दूंगी, भाई व्यवहार दोनों तरफ से चलेगा ना, तो जब वो मना करना जानता है तो आप भी मना करना सीखो ना, वो क्यों मम्मी क्यों नहीं दे रही, तो बेटा हमारी भी तुम कहां सुन रहे, और अभी हम तुम्हारा खा नहीं रहे हैं, तुम हमें कमा के नहीं दे रहे हो, तुम बना के नहीं दे रहे हो, अभी तो सब कुछ हम तुम्हारा कर रहे हैं, यानी पेट में रखा तो हमने, पाला पोसा तो हमने, अभी तक इतना बड़ा किया तो हमने, तो अभी तो तुम हमारे उपकारों से दबे हुए हो, तो जब तुम हमारा नहीं सुनते तो हमने हमारा तो तुमने कुछ उपकार भी नहीं किया, कभी एक दिन में एक कटोरी पानी तो पिलाया नहीं, तो हम तुम्हारी आज्ञा में क्यों नाचे? यदि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी आज्ञा में नाचे तो तुम्हें भी हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी, व्यवहार दोनों तरफ से चलेगा, एक तरफ से नहीं चलेगा। बहुत धोखे में जी रहे हो, बाहर जाके खाना इतना हंसी खेल नहीं है, ना वो खर्च की दृष्टि से और ना वो पेट पचाने की दृष्टि से, एक दिन खाएगा, दो दिन खाएगा, तीन दिन खाएगा, इसके बाद बोल, पर आप अपने मन को पक्का करो तब ना, यानी कितने दिन खाएगा बाहर बोल, कभी पचना भी तो चाहिए ना,
और बाहर खाने लायक भी जब खूब बड़ा हो गया होगा, स्वयं कमाने लगा होगा, तब की बात। और अभी जब तक कमा नहीं रहा तो उसके पास पैसे हैं क्या? नहीं तो उसमें कि आप अपना राग समेटे हैं तो काम बन सकता, और फिर भी यदि भी नहीं सुनते तो बिल्कुल ठीक, तुम्हारा तुम जानो, हमारा हम जानेंगे। और हमसे कुछ लेने की कोशिश नहीं करना, हमने ये सब कमाया है पूरा हमारे अधिकार में, तुम्हें यदि चाहिए हो तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, और नहीं चाहिए तो तुम्हारा तुम जानो, हम अपना मंदिर जी के लिए लिख के जाएंगे। बोलते नहीं ना, इसलिए देखो देखो है तो उल्टा, सरकार ने अपने कोई सुविधा दे रखी पता, फिर तो बोल नहीं सकते, बात कहाँ से आई? अब अपने राग नहीं टूटता है ये कहो ना, यानी कहो तो ये कि अपने आखिर हैं तो हमारे बेटे, बस इसमें मरे जा रहे, यानी बोल नहीं सकते मैं तो सरकार अपने साथ में, कि वो ये कह रहे कि यदि बेटे बहू तुम्हारी बात नहीं सुनते, बिल्कुल भी अधिकार देने की आवश्यकता नहीं, एक नया पैसा भी उनको देने की आवश्यकता नहीं, और यदि भी केस करेंगे तो आप जीतोगे भी नहीं जीतेंगे। तो ये कहो ना कि हम अपने राग से परेशान हैं, तो सुधारना किसे पड़ेगा? बस कह रहे नहीं सुनते हैं तो राग तोड़ दो, अब यदि उन्हें जरूरत होगी तो राग छोड़ेंगे भी तो सुनने लगेंगे, और नहीं जरूरत होगी तो आपको कौन सी हानि है, वैसे भी सुन तो रहे नहीं थे और आपकी कमाई और ले रहे थे, अब राग तोड़ दिया तो वो कमाई अपने दान पुण्य में लगाओ, उनको उनका भोगने दो ना तो तोड़। देखो बहुत गंभीरता का मार्ग है, एक तरफा नहीं चलेगा कि वे तो नहीं सुनते हम तो करेंगे, ये नहीं चलेगा, अपना राग तोड़ना पड़ेगा, तो उनको आवश्यकता होगी तो अपने आप झुकेंगे बस, और नहीं आवश्यकता होगी तो अपने को घाटा क्या है, क्योंकि अभी भी कुछ सेवा शुश्रूषा तो कर नहीं रहे थे, अकेले ही अपना करना पड़ रहा था, पैसा ले रहे थे, तो अब वो पैसा अपना बच गया, अपने किसी भी सहधर्मी के सहयोग करें, धर्म प्रभावना में लगाएंगे, कहीं भी अपने क्षेत्र पे जाके जीवन निकालेंगे, बढ़िया सहधर्मी के बीच में सेवा शुश्रूषा भी हो जाएगी, परिणाम भी सुधरेंगे, उस गोरख धंधे में काय को फंसे रहना, ये मार्ग अपनाना है ना, राग अपना तोड़ना, उनसे कोई अपेक्षाएं नहीं रखी जा सकती, और थोड़ा सा यदि राग सीमित किया, यानी बस दोनों तरफ से वो नहीं सुनता ना, बस आप भी संकल्प कर लें हमें भी नहीं सुनना, अब वो कुछ ना कुछ तो मांगे गई, चुप बिल्कुल, मम्मी दो ना, क्यों दो, मैंने भी कहा था ना बेटा मंदिर जा, तूने नहीं सुना ना, तो मैं कोई तेरी तेरी नौकरान नहीं हूं, मैं क्यों सुनू, यदि तुझे मेरा सुनना हो तो अपना सुनवाने की सोचना, यदि मेरा नहीं सुन सकता तो अपना भी मनवाने की कोशिश नहीं करना, मैं मानने वाली नहीं, ऐसा एक दो बार भी दृढ़ होके बता दिया ना, तो दोनों ओर से लाभ रहेगा, या तो वो सुनने लगेगा यदि उसको जरूरत होगी तो काम बन जाएगा, और नहीं तो बिल्कुल तोड़ देगा तो काम बन गया, क्योंकि सुनता तो था ही नहीं, आर्थ ध्यान होता था तो उससे बच जाओगे। तो बस समेटो ना अपना राग, तो दोनों ओर से लाभ ही लाभ, यानी उनको आवश्यकता होगी तो वे तो 10 बार झुकेंगे, और आवश्यकता नहीं होगी तो मात वो पैसा लेके जाएंगे, आपको तो नरक में धके लेंगे, तो काहे को ऐसे मोह में फंसना, समेट लो अपना राग। देखो ये तो पक्का समझना, बुढ़ापा कैसा बीतेगा ये बेटे बहू के हाथ में नहीं है, इसके लिए आपका पुण्य पाप, तो अब बेटे बहुओं को हाथों हाथों भी संभालना, ये सब इनका सब करते रहे, क्यों बुढ़ापे में ही मदद दे देंगे, तो आलू भी खिलाओ सब खिलाओ, पर नहीं आपका पुण्य होगा तो कोई कुछ करने वाला नहीं,
तो व्यर्थ का मोह बढ़ा के अपना वर्तमान प्रभाव क्यों बिगाड़ना। वर्तमान भी इसमें बिगड़ता, अकेले दो प्राणी कितना सा काम, और ज्यादा फैलाने में। अब बेटे का संभालो, बहू का संभालो, अब वो छोटे छोटे पोते हैं तो उनको संभालते रहो, किसका बिगड़ रहा वर्तमान। और सीधा ही दो टूक, बेटा तुम मेरा सुनोगे तो मैं तुम्हारा ही करूंगी, नहीं तो तुम्हारा तुम जानो हमारा हम। व्यर्थ की गृहस्थी बढ़ाने की हमें शौक नहीं है, संभालना थोड़ा अपना मन, और तो कोई उपाय है नहीं। यानी ये तो कोई दवा है नहीं कि उनको आपके अनुसार चला दिया जाए, आप अपने मन को संभाल लो, ये उपाय है। और हर कीमत पर संभालना तो पड़ेगा, बस इतना है कि अभी खुशी खुशी हो जाएगा, और अन्यथा पर जब वे ही आंखें बदलेंगे और ये कहेंगे देखो मम्मी मैं तुम्हें मम्मी नहीं मानता हूं, और मैं तो ये चला, तो तब आंखें भर भर के अलग होना फिर होना तो पड़ेगा। तो क्यों ना पहले से ही बस दूसरों को समझ के अपने परिणाम संभालने, वर्तमान भाव क्यों बिगाड़े। देखो नहीं होगा, साथ में रहना पड़ेगा तो भी वैसे ही, और ज्यादा फिर तो और ही गुलामी। और ज्यादा देखो इसीलिए ही तो अपने तो पता, अकेले जैन संस्कृति में नहीं, भारतीय संस्कृति में ये चार आश्रम की व्यवस्था है ना, भारतीय संस्कृति में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब पढ़ने में गया जीवन, फिर 26 वर्ष में विवाह हुआ, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम। अब इसके बाद जैसे ही बेटे बेटी बड़े हुए और माता पिता का बानप्रस्थ आश्रम, अब बस बेटा तुम संभालो, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब हमारा कोई दायित्व नहीं, अब तुम अपना संभालो, हम तो ई चले धर्माराधना में। तो 50 वर्ष के बाद ही निवृत्ति ले लेते थे, और अकेले दोनों ही माता पिता अपना चलाते, अब तो मैं जो दिखे सो करूं। तब कहीं वो मातृ देवो भाव पितृ देवो भाव हो पाता था, क्योंकि उनको पहले से ही लगता था कि भाई अभी मैं जन्मा हूं, बस अब 20 साल तक और है माँ साथ में, इसके बाद तो चले जाएंगे। अभी तो ये लगता ना कि मरे ना माथा फोड़े, और फिर तो बस 50 साल में तो चले जाएंगे, मैं अभी 5 साल का हो गया बस 20 साल की ओर, अब मैं 10 साल का हो गया, अब बस ये 25-15 साल की ओर, ऐसा एक एक दिन गिनता। तो अब ये गए, अब ये छोड़ के गए, अब ये छोड़ के गए, तो मातृ देवो भाव हो जाता था, पितृ देवो भाव हो जाता था, और इसके बल पर भी आज्ञाकारी बने रहते थे। और फिर जब 50 साल के बाद चले जाते थे तो उनको लगता अब तो दर्शन के लिए हमें तरसना पड़ेगा, तो ऐसे भाव से दर्शन को जाते जैसे किसी देवता के दर्शन को जा रहे हो, इतना बहुमान का भाव रहता। अब अपना मोह इतना फैल गया कि वो बहुमान सारे गए, क्योंकि तो उनको लगता ये तो यही मरेंगे हमारे साथ हमारे ऊपर, ये तो पिंड नहीं छोड़ेंगे, तो क्यों वो सुनेंगे। देखो पूरी भारतीय संस्कृति का ये मार पड़ा हुआ ना, भारतीय संस्कृति के चार आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तो 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम, ना कोई सामाजिक दायित्व, ना कोई पारिवारिक दायित्व, ना कोई कौटुंबिक दायित्व, ना कोई रिश्तेदारी का दायित्व, कहीं आना जाना नहीं, बस माँ तो दोनों जन मिलकर धर्म आराधना। और 75 साल के बाद तो संन्यास, अब तो वो भी नहीं, तुम अपने में रहो महिलाओं के साथ, हम भाइयों के साथ, बस अपना अपना करेंगे, अब वो पति पत्नी का व्यवहार भी नहीं, ये मार्ग था। और इसके बल पर ये परिवारजन देवता लगते थे, तो सबको लगता था ये हमारे पास थोड़ी रहने वाले। देखो अभी भी होता, मान लो आपका एक बेटा बाहर रहता हो, उसे पक्का पता है कि माँ पिता हमारे साथ रहने वाले नहीं है, तो कदाचित कुछ दिन को जाओ भी आप
कैसे संभालते? क्यों? बस ये है। तो ऐसे ही यदि जो पास में रह रहा उसके संदर्भ में हो जाए तो वो भी ऐसे संभालेगा, पर अपना तो नहीं, हमें तो यही रहना, तो उसको लगता अब तो बस जिंदगी भर के लिए सिर पर चढ़े हैं, तो क्यों वो बहुमान लाएगा? तो इसलिए अपनी परिणति संभाले, दूसरों से कुछ बदलने की कोशिश करवाना ये बुद्धिमानी नहीं है, अपना मोह समेटे। और ये तो अभी भारतीय संस्कृति की बात की, जैन संस्कृति तो उससे भी आगे, 6 महीने के गर्भ के ऊपर 6 खंड के वैभव का तिलक लगा के चले गए, ये भी पता नहीं कि गर्भ में बेटा है कि बेटी। 1.5 महीने के बच्चे को पूरा राज सौंप के चले गए, तब कहीं वो बहुमान आता है। और घर घुसे हो जाएंगे अपन जैसे तो फिर बहुमान आएगा कि बे, तो फिर नौकरों जैसा डील करेंगे तो फिर काहे को रोना, फिर कि सब ऐसा व्यवहार करते ऐसा, तो बे कर रहे कि अपन करवा रहे? नहीं, आप घर से निकल के देख लो, अरे 1-2 महीने भी और कहीं रहने लगो ना, और बुलाए बुलाए भी नहीं, बेटा अभी तो नहीं आते हम, अभी यहाँ ये कार्यक्रम है, फिर अभी तो नहीं, अभी तो ये कार्यक्रम, और फिर जैसे तैसे 2-4 दिन को आना, फिर देखना कैसा व्यवहार होता, करके देखना प्रयोग, है ना? उनको जब लगता है कि तो जिंदगी भर के लिए हमारे ऊपर ही हो गए, तब कहीं वातावरण बिगड़ता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपना जीवन जीना, इस राग देश में कोई दम नहीं है, सारा रैन बसेरा है, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा, ठीक है अपना राग था, बढ़ गया गृहस्थी का जंजाल, पर अब सचेत हुए तो एक रैन बसेरा जैसा मान के बस कर्तव्य पूरा कर दिया, उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, बस वो संभाले। अब यदि हमारा सुनते हैं तो हमारे, नहीं तो तुम्हारा, तुम जानो, इस तरह का कर्म हो गया समय पर।